नमस्कार दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल में स्वागत है। आइए बात करते हैं कि बैंक निफ्टी कल के दिन कहाँ कामकाज कर सकता है। तो दोस्तों, हमने क्या डिस्कशन किया था कि अगर मार्केट आपको गैप अप मिलता है और 42,600 के नीचे नीचे मिलता है तो हम एक पुट की पोजीशन बनाएंगे, और अगर ये 15 मिनट की कैंडल पे अबाउ क्लोजिंग दे देता है और 42,650 के पास में रहता है तो हम 150 से 200 पॉइंट के टारगेट के लिए कॉल साइड में बैठेंगे। मार्केट ने टारगेट दिए, अगर 15 मिनट की क्लोजिंग अगर आप फर्स्ट कैंडल देखोगे तो अबाउ 42,650 थी, हमारा एसएल था 600। मार्केट ने एक बार भी 600 को टच नहीं किया और उसके बाद में ऊपर की साइड में 850, 42,850 तक के टारगेट मार्केट ने आपको एग्जैक्टली दिए हैं। मतलब 650 से 850, 200 पॉइंट। मैंने ये भी कहा था कि ट्रेल करते रहना, प्रॉफिट बुक करते रहना। तो एक ट्रेड अगर आपको एक दिन पहले ही मिल जाती है तो वो बेस्ट रहती है। कल है दोस्तों मंथली एक्सपायरी, तो स्पेशली पुट साइड में बैंक निफ्टी में हम नहीं बैठेंगे। चाहे कुछ भी हो जाए, बैंक निफ्टी चाहे कितना ही नीचे चला जाए, पुट साइड में हम नहीं बैठेंगे। हाँ, इम्पोर्टेंट सपोर्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ हम कॉल साइड में बैठ सकते हैं। तो इसके ऊपर एक तो ये रेंज हो गई कि इसके ऊपर कॉल साइड 42,860 के ऊपर, ठीक है, एक एक हो गई आपकी लेवल ये। अगर मार्केट कल फ्लैट खुल के 42,600 को तोड़ता है, ठीक है, और नीचे आ जाता है, नीचे आता है या नीचे अगर नीचे निकल जाता है तो पुट साइड में अगर आप बैठोगे तो पुट साइड में एक रिस्की ट्रेड, मैं इसको रिस्की ट्रेड कह सकता हूं क्योंकि यहाँ पे कौन से लेवल पे आके कब यानी कि अप मूवमेंट मार जाएगा वो एश्योरिटी नहीं है। तो इसलिए जो सेफर है वो इस चीज को इग्नोर करें। अगर ये यहाँ से नीचे चला जाता है जाने दीजिए, लेकिन अगर नीचे में हमें कहाँ पे इस पॉइंट पे 42,450 से एग्जैक्ट पॉइंट मैं बता देता हूँ आपको, 42,475-500, ठीक है ना, 42,475 से 42,500 के बीच में अगर बैंक निफ्टी हमें मिलेगा तो हम एक कॉल साइड में बैठेंगे और स्मॉल एसएल रहेगा आपका 42,450 का। यहां से हम अगेन ऊपर की साइड में 42,600 तक के टारगेट के लिए बैठ सकते हैं, ठीक है। और अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो पुट साइड में ओनली और ओनली 42,200 के नीचे ही कोई पुट की रेंज बनती है। बाकी अगर यहाँ पे अगर कोई अगर 42,600 के ऊपर कोई लेना चाहे ले सकता है, यहाँ पे कोई स्पेशली नहीं है कि यहाँ से कहाँ तक के टारगेट है, 42,500 तक के लिए, मतलब 125-150 पॉइंट के लिए आप इसमें बैठते हो तो कोई मतलब नहीं। हाँ, 42,600 के पास में अगेन एक कॉल देखी जा सकती है और उसका 20 से 30 पॉइंट एसएल रख के आप कॉल साइड में इसमें बैठ सकते हो। तो निफ्टी का मैंने आपको प्रिडिक्शन डाल दिया है। निफ्टी के अंदर इग्नोरेबल है हर चीज क्योंकि उसकी रेंज बहुत छोटी हो गई है। सेम चीज 200 से 300 तक की मूवमेंट बैंक निफ्टी में देखी जा सकती है और इससे ज्यादा उम्मीद कल के दिन इसमें नहीं है। हाँ, एक्सपायरी है 1:30 बजे बाद में, बढ़िया मूव भी दे सकता है ऊपर की साइड भी। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आपके ऑप्शंस की कि ऑप्शंस में क्या है बैंक निफ्टी के ऑप्शंस में। 42,600 की पुट में 36 लाख है और कॉल में है 36 लाख, तो बराबर की वजह से ये 42,600-700 के ऊपर और कॉल साइड में ऊपर 700 के आसपास इसने बढ़िया क्लोजिंग दी है और बुलिश है बैंक निफ्टी। तो शॉर्ट करने की नहीं सोचें, शॉर्ट का लेवल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि अगर आपने जैसे इस पॉइंट पे रिजेक्शन खाए, ठीक है, रिजेक्शन में मतलब एक बड़ी रेड कैंडल बन गई तो उससे पास वाली कैंडल का या जो भी हाई है उसके ऐसा लगा कि नीचे में पुट साइड में बैठा जा सकता है। ये लाइव मार्केट में किस तरह से ट्रेड होती है
मेरे चैनल पे डाली हुई है। तो यहाँ पे आप कहाँ बेचें वहां इस तरह से यानी कि बेच सकते थे। और अगेन अगर इस तरह की मार्केट में कोई अप मूवमेंट में या फिर गैप अप पे या गैप डाउन के अंदर केस में इस तरह की कोई कैंडल बनती है तो पुट में बैठ सकते हैं, लेकिन वो मैं स्पेशली कह रहा हूँ कि ये रिस्की ट्रेड होगी। तो पुट साइड में कम है चांसेस, चांसेस वैसे अगर पैसा बनाना है तो कभी भी बन सकता है, पुट साइड में भी बन सकता है, कॉल साइड में भी बन सकता है। तो पुट साइड में भी लेकिन समस्या क्या है, एसएल हिट होने के चांसेस ज्यादा है। हाँ, 42,600 के पास में 42,450 तक का एक बीच का गैप है, उस गैप को फिल के लिए आप ऊपर में पुट साइड में बैठ सकते हैं। उसके नीचे की साइड में मार्केट इसकी मतलब ऑप्शन चेन डाटा के हिसाब से इतना लो लेवल के लिए जा नहीं सकता। अगर 42,200 के आसपास में मिलता है तो भी हम कॉल साइड में ही बैठेंगे। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर।